सचकों वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सुखजीत मान। 10 मार्च को पंजाब विधानसभा चोणों के नतीजे आ गए। नतीजे सियासी तौर पर बहुत इतिहासक है। इस तो पहले किसी भी सियासी पार्टी लंबे समय तो अजिहा रुझान नहीं वेखण मिलिया सी कि इन्ना वड्डा बहुमत मिल सकता होवे। ये नतीजे आने के मगरों ही जिथे अफसरशाही के रवैये सरकार का पूरी तरह गठन होने तो पहला ही रवैये तब्दीली आ गई है। तो सरकारी दफ्तर हुण फोटो के ट्रेंड च भी तब्दीली आएगी। भगवंत मान ने अपने संबोधन दौरान कह दिता सी कि हुण सरकारी दफ्तर च मुख्यमंत्री की फोटो नहीं शहीद भगत सिंह की फोटो तो डॉक्टर बी आर अंबेदकर की फोटो होएगी। कि किसी भी सरकारी दफ्तर च पंजाब दे विच मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगेगी शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अंबेदकर। एक ने सानू आजादी दवाई, दूजे ने आजाद मुल्क का संविधान लिखा, सानू समानता दिती, दोनों दी फोटो लगिया करनी। तुसी मेरे पिछे ये तस्वीर देख सकते हो, एक आर्ट गैलरी के असी खड़े हैं जिथे शहीद भगत सिंह अते डॉक्टर बी आर अंबेदकर दीआं फोटोआं मौजूद ने। इस आर्ट गैलरी के काम करने वाले बाई जी नाल असी गलबात करांगे ते उन्हां नूं पुछांगे कि किन्ने क लोक हैगे ने जो हुण उन्हां नूं शहीद भगत सिंह अते डॉक्टर बी आर अंबेदकर की फोटो के ऑर्डर देण लगे ने। भगत सिंह और डॉक्टर बी आर अंबेदकर जी दीआं फोटोआं दी गलबात कर रहे सीगे आपां वी किन्ना क लोकां च रुझान है जिहड़ा आम आदमी पार्टी की सरकार आउण तों बाद चेंज आया फोटोआं खरीदण दे विच। सर इन्हां सब दी मतलब अंबेदकर जी दी और भगत सिंह जी दी फोटो पहलां भी विकदी सी, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार बनन तों बाद इहदा होर तेजी आई है। भी सरकार ने कहा है भी मंत्रियां दी फोटोआं नहीं लगनियां दफ्तरां च और अंबेदकर साहब और भगत सिंह जी दी ही फोटो लगेगी दफ्तरां च। अच्छा, किन्ने क कोई सरकारी दफ्तरां जो खरीदारी हुई है जां तुहानूं फोन वगैरह आए है ऑर्डर बारे? हाँ जी, सानूं फोन वगैरह भी आए है। अज शनि एतवार होने कारण छुट्टी होने कारण दफ्तरां च थोड़ी फोन ही आए है, लेकिन सोमवार तो मंगलवार तो बाद साढ़े कोल डिमांड होर ज़्यादा वधेगी इस चीज़ दी। अच्छा, कुछ दफ्तरां वाले फोटो लैके भी गए है? हाँ जी, लैके भी गए है साढ़े कोल। ये दस रहे थे कुछ सरकारी दफ्तर वाले इन्हों को फोटो लेके भी गए हैं, पर बार इतवार का दिन दफ्तर छुट्टी होने करके दफ्तर के मुलाजम ज इंचार्ज फोटो लिए फोन करके ऑर्डर दे रहे हैं। अजिहे ही असी होर आर्ट गैलरी के चलते हैं तो शहर के जानते हैं कि लोगों तो सरकारी दफ्तर के मुलाजमान शहीद भगत सिंह डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी जो संविधान निर्माता ने उन्हों की फोटो बारे कहोजा रुझान चल रहा है। असी एक होर आर्ट गैलरी के पहुंचे हैगे हैं गोल्डगी मार्केट के नेड़े, उतों पुछते हैं कि शहीद भगत सिंह डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी दी फोटो के प्रति लोगों का हुण पिछले दो दिन तो की रुझान है? भाई जी, लोग पहला भी भगत सिंह दी फोटो खरीदते सी, हुण की तब्दीली आई हैगी कोई महसूस की? हर एक मुलाजम तबका आ रहा है, फोटो मंग रहा है अंबेदकर साहब की तो भगत सिंह की। अपने भगवंत मान जी के ऐलान तो बाद सारे स्कूलों कॉलेजों सरकारी दफ्तर च यह फोटो की मंग हो रही है, साढ़े को बहुत मतलब डिमांड हैगी है इस चीज़ की। साढ़े नाल एक सरकारी मुलाजम भी हैगे, उन्होंने तो भी जानते हैं, वह भी इतने शहीद भगत सिंह डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी की फोटो लेना है। भाई जी, किहड़े डिपार्टमेंट दा तुसी? सर मैं बिजली बोर्ड दा। अच्छा, कितने ड्यूटी तुहाडी? मेरी सिविल लाइन ग्रिड से। अच्छा, इतने अज आर्ट गैलरी से किवें पहुंचे? सर मैं इतने डॉक्टर भीम राव अंबेदकर दी ते अपने शहीद भगत सिंह जी की फोटो लेना है। की कारण इन्हों का फोटो भगवंत मान जी का बयान जो वैसे लानी सी? नहीं, असं वैसे भी लानी सी, भगवंत मान जी ने भी कहा तो उन्होंने कहने भी। अच्छा, मतलब हम सरकारी दफ्तर मुख्यमंत्री था, हम भगवंत मान ने जो कहता शहीद भगत सिंह डॉक्टर भीम राव की फोटो है, किमें समझते हो भगवंत मान के इस बयान? सर असं इन्होंने बयान दिलों स्वीकार करते हैं तो सानू बहुत माण है इन्होंने भी, उन्होंने सोच से भी असं फख्र करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਕਸਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ
ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਮੰਗ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਖਨਾਮ ਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜੀਤ ਮਾਨ, ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਬਠਿੰਡਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਮਾਮ ਖਬਰੋਂ ਸੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ, ਔਰ ਬੈਲ ਆਇਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਹਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ।